आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बार एसोसिएशन के चुनाव में हुआ हंगामा। कानपुर बार एसोसिएशन के चुनाव में हंगामा, बड़ी खबर सामने आ रही है, मतदान रद्द करने की घोषणा करने पर हुई तोड़फोड़। चुनाव लड़ रहे दो उम्मीदवारों के गुटों में फायरिंग में अधिवक्ता गौतम दत्त को लगी गोली। कानपुर बार एसोसिएशन के चुनाव में हंगामा, मतदान रद्द करने की घोषणा करने पर हुई तोड़फोड़। चुनाव लड़ रहे दो उम्मीदवारों के गुटों में फायरिंग में अधिवक्ता गौतम दत्त को लगी गोली। कानपुर बार एसोसिएशन के चुनाव में हंगामा देखने को मिला, मतदान रद्द करने की घोषणा करने पर हुई तोड़फोड़। चुनाव लड़ रहे दो उम्मीदवारों के गुटों में फायरिंग में अधिवक्ता गौतम दत्त को लगी गोली। कानपुर बार एसोसिएशन के चुनाव में हंगामा, मतदान रद्द करने की घोषणा करने पर हुई तोड़फोड़। अमेठी दौरे पर जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी साथ रहेंगी। अमेठी के जगदीशपुर से 6 किलोमीटर दूर करेंगे संबोधित हरिमाऊ। अमेठी दौरे पर जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। अमेठी के जगदीशपुर से 6 किलोमीटर की करेंगे रैली। अमेठी दौरे पर जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी रहेंगी साथ। अमेठी के जगदीशपुर से 6 किलोमीटर की करेंगे पदयात्रा, हरिमाऊ में जनसभा को करेंगे संबोधित। अमेठी दौरे पर जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी रहेंगी साथ। अमेठी के जगदीशपुर से 6 किलोमीटर की करेंगे पदयात्रा, हरिमाऊ में जनसभा को करेंगे संबोधित। अमेठी दौरे पर जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बड़ी खबर सामने आ रही है। मेरठ दौरे पर जाएंगे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, आज दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे असदुद्दीन ओवैसी। शोषित वंचित समाज सम्मेलन को करेंगे संबोधित। मेरठ दौरे पर जाएंगे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, आज दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे असदुद्दीन ओवैसी। शोषित वंचित समाज सम्मेलन को करेंगे संबोधित। मेरठ दौरे पर जाएंगे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, आज दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे असदुद्दीन ओवैसी। शोषित वंचित समाज सम्मेलन को संबोधित करेंगे AIMIM प्रमुख। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज दौरे पर रहेंगे, 12 बजे असदुद्दीन ओवैसी पहुंचेंगे। शोषित वंचित समाज सम्मेलन को संबोधित करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। मेरठ के दौरे पर रहेंगे ओवैसी। शाहजहांपुर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, बड़ी खबर सामने आ रही है, पीएम मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का करेंगे शिलान्यास। एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी का भी करेंगे शिलान्यास। पीएम शाहजहांपुर में करीब 1 घंटा 20 मिनट रहेंगे। शाहजहांपुर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, बड़ी खबर सामने आ रही है, पीएम मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का करेंगे शिलान्यास। एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी का भी करेंगे शिलान्यास। पीएम शाहजहांपुर में करीब 1 घंटा 20 मिनट रहेंगे। शाहजहांपुर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, एक्सप्रेसवे का करेंगे शिलान्यास। गंगा एक्सप्रेसवे की देंगे स्वागत, एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी का भी करेंगे शिलान्यास। पीएम शाहजहांपुर में करीब 1 घंटा 20 मिनट रहेंगे। शाहजहांपुर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, पीएम मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का करेंगे शिलान्यास। और इस खबर पे हमारे से ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता आर्येंद्र जुड़ चुके हैं शाहजहांपुर से। आर्येंद्र, क्या कुछ जानकारी है पीएम के दौरे से संबंधित? तो हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है आर्येंद्र से। शाहजहांपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पीएम मोदी का दौरा तय है। पीएम मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे, बड़ी सौगात देने वाले पीएम मोदी जनता को। एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी का भी शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। शाहजहांपुर में करीब 1 घंटा 20 मिनट तक रहेंगे।
ये मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे, बड़ी सौगात देने वाले हैं। एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी का भी शुभारंभ करेंगे। पीएम शाजापुर में करीब 1 घंटा 20 मिनट रहेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। सरकार द्वारा जितनी सौगातें दी जा रही हैं उन सभी का विवरण भी देंगे अपनी जनसभा के दौरान। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता आर्येंद्र जुड़ चुके हैं। आर्येंद्र, क्या कुछ जानकारी है, कितने बजे तक पहुंचेंगे और क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम करे गए हैं पीएम के दौरे से संबंधित? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है रोजा रेलवे मैदान पर गंगा एक्सप्रेस वे का हवाई पट्टी का शिलान्यास करने के लिए लगभग 11 बजे जो है पहुंचने 11 बजे पहुंचेंगे और यहां लगभग 20 मिनट तक रहेंगे, 1 घंटा 20 मिनट तक रहेंगे, जहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जी, और क्या कुछ जानकारी है, सुरक्षा के कैसे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं आर्येंद्र? देखिए, सुरक्षा के अगर इस व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा के लिए देखिए पुलिस जो है लगातार हर जगह चौक चौराहों पर मौजूद है और यहाँ पर जो है तो सुरक्षा व्यवस्था के लेकर काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। लगभग बैरिकेटिंग की गई है जो बड़े वाहनों के लिए, अलग अलग जगहों पर जो है कई जगहों पर डायवर्जन किया गया है, जिससे जिस तरीके से कि यहाँ पर ज्यादा भीड़ भाड़ और ज्यादा जाम की स्थिति ना बने। और अलग अलग जो है यहाँ पर जो पार्किंग की स्थिति बनाई गई है, जो सभी ब्लॉक स्तरों से जो टीम आएंगी, जो गाड़ी वाहन है उनके लिए अलग अलग जगहों पर चिन्हित किया गया है और उसको व्यवस्था की गई जहाँ पर वो ठहरने का इंतजाम किया जा सके। जी आर्येंद्र, जब पीएम मोदी आएंगे जनसभा को संबोधित भी करेंगे तो कितने लोगों के जुटने की उम्मीद है? देखिए, लगभग यहाँ पर जो पीएम मोदी आने के बाद लगभग यहाँ पर 1 लाख लोग जुटने की उम्मीद लग रही है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से अभी सुबह से ही जिस तरीके से यहाँ पर जो भीड़ देखी जा रही है, ऐसे अंदाजा लग रहा है 11 बजे तक लगभग 1 लाख लोग से ज्यादा एकत्रित हो सकेंगे, क्योंकि 1 लाख व्यवस्था तो सीटों पर दी गई है जबकि खड़े होकर भी कई लोग देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था जो है काफी है और फिर भी यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा लोग आने की संभावना है और 11 बजे तक। आर्येंद्र, 1 लाख लोगों के जुटने की संभावना है, सुरक्षा व्यवस्था भी चौबंद है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कैसा देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर कोरोना काल की अगर बात की जाए, जैसे कि हाल में ही अभी जो है कोरोना की तीसरी लहर जो लगातार है चल रही है और उत्तर प्रदेश में भी जो है आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर अगर कोरोना की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, कोरोना गाइडलाइंस का कोई ऐसा अभी यहाँ पर दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं जिससे कि कोई पुख्ता इंतजाम हो। यहाँ पर लगातार जो है लोग एक दूसरे के दायरे में है और यहाँ पर कोई भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है, ऐसे लगातार भीड़ भाड़ में एकत्रित हो रहे हैं, इनमें कोई भी इस तरीके से पुलिस प्रशासन या किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई तो रैलियों के लिए भी कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं कि मास्क लगा के आना है या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है? जी, ऐसा कुछ अभी यहाँ पर ऐसा दिशा निर्देश नहीं दिया गया है जिससे कि कोई यहाँ पर मास्क लगा कर गया है, कोई ऐसी अनुमति नहीं दी गई अभी पुलिस प्रशासन और जो है यहाँ के आला अधिकारियों के द्वारा, ऐसे कोई भी दिशा निर्देश अभी तक नहीं दिए गए हैं। भीड़ एकत्रित करने का जो भी है, जितना भी हो सके भीड़ एकत्रित हो। और सैनिटाइजर का प्रबंध किया गया है कि नहीं? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता आर्येंद्र जुड़े थे शाजापुर से। यूपी में हुई ओमिक्रॉन की एंट्रीज, वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद में ओमिक्रॉन का मामला आया सामने, बुजुर्ग दंपत्ति में ओमिक्रॉन की हुई पुष्टि, बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 दिसंबर को मुंबई से वापस आया था दंपत्ति, 15 दिसंबर को दोनों की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। यूपी में हुई ओमिक्रॉन की एंट्री, बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद में ओमिक्रॉन का मामला आया सामने और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, यूपी में भी एंट्री हो गई ओमिक्रॉन की, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में भी अब ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है। गाजियाबाद में ओमिक्रॉन का जो मामला है सामने आया है और नेहरू नगर के निवासी बुजुर्ग दंपत्ति जो कि जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट जो है वो ओमिक्रॉन की पुष्टि पाई गई है। स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा है कि दंपत्ति अब बिल्कुल स्वस्थ है पर स्वस्थ और संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। गाजियाबाद के नेहरू नगर निवासी हैं ये, 3 दिसंबर को ये मुंबई की यात्रा कर लौटे हुए थे, उसके बाद इनको कुछ तकलीफ हुई और उसके बाद जब इनकी जांच हुई तो उसमें पता चला कि ये कोविड इसमें ये जो ओमिक्रॉन है वो पॉजिटिव पाए गए हैं, मतलब कोविड की जो तीसरी लहर है उसके पॉजिटिव पाए गए हैं।
जी नितिन, जो इनके संपर्क में आए थे, दंपत्ति के संपर्क में आए लोग थे, क्या उनकी भी जांच करी गई है? बिल्कुल, साफ तौर पर उनको भी ट्रेस किया गया है, उनकी भी जो सैंपल थे वो लिए गए हैं। हालांकि अभी ये दंपत्ति जो है बिल्कुल स्वस्थ है और इनको खांसी की शिकायत हुई थी, जिसके बाद इन लोगों ने जांच कराया था और जांच में इनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई थी। तो ऐसे में इनके आसपास के जो लोग हैं जिनके संपर्क में आए थे, उनको भी अब सैंपल लेकर उन्हें भी लैब जो सैंपल है उनका वो लैब भेजा जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता नितिन कुमार जुड़े थे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।